Assalamu alaikum, my name is Saqib Azhar. I'm a student of Sareem Khan Niazi and I'm currently working as a support team member of Sararam Tariq in Enabler's Rawalpindi office. मैं आज एक जनरल क्वेरी आंसर करूंगा. यूजुअली जब लोग अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, अपना वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स या अपना ईवीएस का जो कोर्सेज हैं अंदर वो कंप्लीट करते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन इस ग्रुप में आके ये होता है कि हाउ टू गेट माय फर्स्ट क्लाइंट, लाइक अपना पहला क्लाइंट जो है किस तरीके से लें. ठीक है, तो आज मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा कि आप अपना पहला क्लाइंट किस तरह ले सकते हैं. लाइक सबसे पहले तो यही आपको मैं बोलूंगा कि सर साकिब अज़हर ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और इनेबलर्स का एक सेटअप है कि यहाँ पे इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्दी अब 500,000 मेंबर्स भी कंप्लीट होने लगे हैं. तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है. ठीक है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके वर्चुअल असिस्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं. तो यूजुअली आप देखते हैं डेली बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए. तो सबसे पहले अपनी एक शॉर्ट सा आप एक टेम्पलेट बना लें, लाइक उसके अंदर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, अपना नॉलेज शेयर कर दें और अपनी एक्सपर्टी एरिया शेयर कर दें उसके अंदर. ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह कोई क्लाइंट नजर आता है तो उसके साथ शेयर कर लें. अव्वल तो आप अपना नॉलेज इस ग्रुप में आके शेयर करेंगे डेली रूटीन से, जो जो आपको नॉलेज ईवीएस से मिला है या वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स से मिला है आप ग्रुप में आके वो शेयर करें लोगों के साथ. तो जब इन्वेस्टर आपकी पार्टिसिपेशन देखेगा, आपको देखेगा कि आप कितना एक्टिव है ग्रुप के अंदर, तो आपको खुद अप्रोच करेगा. ठीक है, तो यूजुअली अगर कोई नहीं भी अप्रोच करता तो आप लोगों की नजरों में होते हैं. ठीक है, अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट का डालता है पोस्ट कि हम उसे वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है और आप उसे उसके इनबॉक्स के अंदर जाके कनेक्ट होते हैं या उसके कमेंट्स के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो ऑलरेडी आपको जानता होगा क्योंकि आपकी पार्टिसिपेशन ग्रुप में प्रीवियसली देख के. तो वहां से एक बहुत बड़ा चांस है कि आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिल सकता है. ठीक है, साथ ही उसके आपने एक और चीज का ख्याल करना है कि आपने फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर आपने एक प्रॉपर अपनी प्रोफाइल बनानी है जिसके ऊपर आपने अपनी एक्सपर्टीज मेंशन करनी है. आप ज्यादा से ज्यादा गिग्स बनाएं, अगर आपको पीपीसी एक्सपर्ट हैं आप तो आप पीपीसी के ऊपर एक गिग बना लें फाइवर पे. अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर एक्सपर्ट है प्रोडक्ट हंटिंग की एक गिग बना लें. लाइक आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज हैं आप उस एक्सपर्टीज के लिहाज से एक फाइवर पे कंप्लीट गिग प्रोफाइल बना लें अपनी. ठीक है, तो फाइवर से आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं. लाइक फाइवर एक मेजर प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ अपवर्क. ठीक है, अपवर्क के अंदर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, आप सारी एक्सपर्टीज अपनी प्रोफाइल के अंदर आप शो करें जो जो आपको इससे रिलेटेड एक्सपर्टीज हैं अमेज़न से रिलेटेड. और अगर सपोज आप अमेज़न के अलावा अगर अपना क्लाइंट देखना चाहते हैं, लाइक अगर आपकी एक्सपर्टीज कंटेंट राइटिंग के अंदर है या ऑनलाइन टीचिंग के अंदर है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि अपना पहला क्लाइंट आप इस तरीके से ले सकते हैं. ग्रुप के अंदर और भी ऐसे लोग होंगे जो अमेज़न का बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स है, अमेज़न की कोई खास इसके ऊपर स्पेसिफिक लिमिट नहीं है. ठीक है, तो आप बाकी जो भी आपको नजर आ रही हैं और वो जोन सी भी आपके अंदर एक्सपर्टीज हैं तो आप उसके ऊपर गिग्स बनाएं, अपनी नॉलेज ग्रुप के अंदर शेयर करें, प्लस आप अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें. ये तीन मेजर रास्ते हैं जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा. तो अप्रोच आपने अपने क्लाइंट को इस तरीके से करनी है कि लाइक आपने ज्यादा अपनी कोई डेफिनेशन नहीं दें, सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज दें, अपना नॉलेज दें रिलेटेड टू दिस फील्ड और इंशाल्लाह ताला आई होप आपको फर्स्ट आपका क्लाइंट मिल जाएगा इस तरह इजीली. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगी हो. अल्लाह हाफिज़.